क्या मलाइका अर्जुन के बीच सब खत्म हुआ क्योंकि दोनों ना साथ दिखते हैं ना शादी पर कोई बात। तो अब अरहान के पॉडकास्ट पर भी मलाइका ने शादी पर बोली ऐसी बात कि लोग सुनकर रह जाएंगे हैरान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल हाल ही में मलाइका अरोरा अरहान खान के पॉडकास्ट डंप बिरयानी में गई थी, जहां मलाइका ने ना चाहते हुए भी खोल दिए कई राज, वो भी अपने रिश्ते को लेकर। अरहान ने अपनी मां मलाइका अरोरा से दूसरी शादी के बारे में सवाल किया। साथ ही अरहान ने ये भी बताया कि वो मलाइका की कौन सी चीज बदलना चाहते हैं। तो अब मलाइका अरोरा की अपनी शादी के सवाल पर दिए गए जवाब को जानकर हर कोई हैरान है। ऐसा जवाब जिसको सुनकर सब सोच में पड़ गए कि आखिर क्या मलाइका और अर्जुन का रिश्ता खत्म हो चुका है। दरअसल मलाइका से अरहान ने कहा कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आप शादी कब करने वाली हो, प्लस डेट भी जाननी है। इनफैक्ट अरहान को सब जानना है, जैसे मलाइका कहाँ, किसके साथ और कब शादी करने वाली है। इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मलाइका ने मना कर दिया। मलाइका ने कहा, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। फिर बोली, मेरे पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ के बेस्ट फेज को एंजॉय कर रही हूँ। शादी की बात पर इतनी आनाकानी, क्या बात है मलाइका जो आप सबसे छुपा रही हैं। शादी के बाद पर इस तरह का जवाब वाकई इनके रिश्ते को लेकर बड़ा सवाल खड़े कर देता है। वैसे इससे पहले भी झलक दिखलाजा के सेट पर भी मलाइका कहती हुई सुनाई दी थी कि वो सिंगल है। खैर, इनकी माया यही जाने। इसके बाद मलाइका ने अरहान से पूछा कि मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बदलना चाहते हो। तो अरहान ने कहा, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, अपने आप को थोड़ा समय दो, थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप के साथ समय बिताओ। ओ हाउ स्वीट अरहान, माँ का इतना ध्यान रखते हो। पर शादी का जवाब तो अब जमकर हर कहीं वायरल हो रहा है मलाइका का। पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरहान अपने पॉडकास्ट पर अर्जुन को बुलाएंगे और उनसे भी जानेंगे शादी से रिलेटेड जवाब। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।